महंगाई के इस जमाने में सस्ता शब्द सुन के पब्लिक को सुकून मिलता है। देख बेटा, ऐसा हम ठहरे बिजनेसमैन और तू ठहरा धंधे वाला, तो हमसे जरा सोच समझ के मोल भाव किया कर। हैं भैया, माफ करना, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमने आपकी दुकान से वो अभी कच्चे बनियान लिए थे, सबके सब रिजेक्टेड निकले। क्या पक रहा है? अभी 3-4 महीने पहले हमने आपकी दुकान से वो चड्डी बनियान खरीदे थे। वह 5 बनियान थी और 5ों बनियानों में छेद थे, और 4 चड्डी खरीदी थी, सबके इलास्टिक टूटे हुए थे। भैया, हमको तो ऐसा लगता है कि आप रिजेक्टेड माल ही बेचते हैं। अबे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? अबे बदल के दूसरी का ही नहीं ले गया? अबे भैया, बदल के दूसरा ले गए थे, वो भी रिजेक्टेड ही निकला। ये तुम्हारी तुम्हारे बड़े हाथ चल रहे हैं। अरे देखिए ना दरोगा जी, खाम खाम हाँक रहा है कि हम जो है रिजेक्टेड माल बेचते हैं। बताइए तो जा में कसा के हम तो कह रहा हूँ लौंडा, अबे तुमसे हम वो 10 ठैया अपने अंडरवियर ले गए थे, सबकी इलास्टिक टूटी भई हती, ससुर नारा डार डार के पहन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं दरोगा जी आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया तिवारी, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे खोका पे छापो डालने पड़ेगा हमें। देखिए दरोगा जी, अब जो है ना बहुत सही माल आया है, 10-12 कच्चे बनियान भिजवाते हैं ना आपको? वो तो भिजवाने पड़ेंगे भैया तिवारी, खराब जो आते, लेकिन साथ में कान में उंगली डाल, कान में उंगली डाल, और ऐसा है साथ में 2-3 हजार कैश भी दिलवा देंगे निछावर करके, निकाल लें उंगली। उंगली पकड़ने को कही तो साली गर्दन पकड़ ली। जरा बताइए ना कैसे पकड़ते हैं झूठ उठ, बताइए जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, अबे तुम घर पर ले आकर चलो, फिर हम भाभी के सामने तुम पे सवाल दागेंगे कि तुम कहीं दूसरी बैयर बानियों के चक्कर में तो नहीं रहते हो। ले आके चलो चुपचाप, आराम आराम। अरे तिवारी, स्कूटर से गिराएगा वो, का उठा लो, उठा लो, टूटे ना समर के। दो किलो फटाफट सब्जी बांध दे। दरोगा जी, वो पिछली बार के पैसे बाकी हैं अभी आपके। हमसे पैसे मांगोगे? हमारी अगर खोपड़ी खराब हो गई ना तो ये ठेला थे अपने थाने में चल के बेचेगो गा गा के, ताजी हरी सब्जी। क्या सुगात बताइए, ताजी हरी सब्जी ले लो। चुप चुप, कुछ खड़ो करी के खड़ो कर, चुपचाप कुछ तो पैसे दे दो दरोगा जी। वे आ रहे हैं थोड़ी देर में, 2 किलो बांध के रखियो, और सुन ये 4 ठैया निबुआ भी बांध दे, शिकंजी पियेंगे घर पे चल के। अबे ओ, अपनी हैसियत में रह के बात कर, समझा? भैया माफ करना, आप अपनी हैसियत से बाहर निकल के प्याज जैसी महंगी चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तू क्या बकवास कर रहा है बे? विभू ठीक ही तो कह रहा है वो। हाँ, प्याज कितना महंगा हो गया है, हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, और उधार तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अरे यार उधार नहीं, बिल्कुल नकद खरीद रहे हैं। तो सुन, तेरे पास कितनी प्याज है बे? 2 किलो है। 2 किलो तोल दे। और कितने की दी तूने? 500 रुपए की 2 किलो। 500? ये ले, 600 ले। 2 किलो प्याज तोल दे, 1 अनु के लिए और 1 किलो भाभी जी के लिए। नहीं नहीं, हमको इतना महंगा प्याज नहीं चाहिए। भाभी जी, एक पड़ोसी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। सुन, 600 दिला। अबे वापस दे ना, ये पकड़ 1000 रुपए, अन्नू को भाभी जी को जो सबसे चाहिए दे देना, बाकी जो पैसे बचे कीप द चेंज। एक मिनट, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? चोरी करके नहीं लाया हूँ। हाँ तो किसी से उधार लिए होंगे। हाँ भाभी जी, ये पैसे मेरी कला के हैं, मेरे हुनर के हैं, मेरे फन के हैं। भैया रात को मुजरा उजरा किए थे क्या?